हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाकर दिखाऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपको गाजर का हलवा बनाकर दिखाया है, बट वो वेट लॉस गाजर का हलवा था। और आज का जो ये हलवा है, ये स्पेशल ओकेजन्स पर बनने वाला हलवा है। इसमें मैं सारी चीजें ऐड करूंगी, ड्राई फ्रूट्स, मावा और एक स्पेशल इन्ग्रीडियंट जो आपको बाद में पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और मैंने पहले ही कढ़ाई में गाजर ग्रेट करके 1 किलो दूध लिया है मैंने, और 2 किलो गाजर उसको पहले से ही मैंने रख दिया है, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो इसको दूध को हम रिड्यूस करेंगे जब तक ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। ये देखिए गाजर बिल्कुल सॉफ्ट होने लग गई है और धीरे धीरे ये दूध के अंदर मिक्स हो गई, और दूध ने भी अपना कलर गाजर के अंदर ये देखो मिक्स हो गया है, ऑरेंज ऑरेंज कलर इसका आ गया है। बस हमें इसको चलाते रहना है अच्छे से। तो ये देखिए दूध लगभग इसमें सूख चुका है, और अब आती है हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट की बारी। तो स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है, वो है मीठा, क्योंकि मीठे के बिना तो गाजर का हलवा बिल्कुल अधूरा होता है। गाजर का हलवा क्या, कोई भी स्वीट डिश जो होती है वो मीठे के बिना अधूरी होती है। 99% लोग जो होते हैं गाजर के हलवे में चीनी यूज करते हैं, बट मैं इसमें चीनी का यूज नहीं करूंगी। आप गैस कीजिए कि मैं इसमें किस चीज का यूज करूंगी। आप 1 सेकेंड सोचिए जब तक मैं आपको अपना इंग्रीडियंट दिखाती हूँ। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। तो ये देखिए, ये है हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट, ये है खांड। चीनी की जगह हम खांड यूज करेंगे, और 2 किलो गाजर में मैंने 400 ग्राम खांड ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही हम इसमें ये मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पिघलेगा तो थोड़ा सा पतला होता चला जाएगा, और थोड़ी देर में जैसे हम इसको चलाते रहेंगे तो फिर अपने आप में गाढ़ा हो जाएगा। तो चीनी हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि चीनी हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और किसी भी चीज़ को हेल्दी बनाना हमारे अपने खुद के हाथ में होता है। तो इसलिए आप भी इसमें खांड का ही यूज़ करें। अब इसे 10-15 मिनट और चलाना पड़ेगा ताकि ये ठीक हो जाए। मीठा डालने के बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है, कितना प्यारा इसका कलर आ गया है, और धीरे धीरे ये थिक भी हो रहा है। ये देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है बिल्कुल। अब इस स्टेज पर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, किशमिश, बादाम, काजू। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें। अब इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाएं। अब इसमें खोया ऐड करेंगे। खोया आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं, और ये खोया मैंने घर पर ही बनाया है। इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स हो गया है, और सबसे लास्ट में इसमें छोटी इलायची क्रश करके डाल दें।
सबसे लास्ट में इसको इसलिए ऐड करना चाहिए क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी बनी रहती है सबसे लास्ट में ऐड करने से। अब इसको अच्छे से मिक्स करें। गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है, अब फ्लेम ऑफ कर दें। तो ये लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।